हेलो गाइस, जय श्री राम। हैप्पी छोटी दिवाली। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग है छोटी दिवाली का। आई नो आने में काफ़ी लेट हो गया, मतलब काफ़ी तो नहीं, थोड़ा लेट हो गया, पर क्या करें, फेस्टिवल टाइम में काम ही इतने होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए, और सुबह काम थोड़ा ज़्यादा था तो थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं कपड़े सुखाने में। तो बस मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, चलते हैं। अनवी श्रेष्ठ कहाँ है? इसको बिठा नहीं सकती, खड़ा है ये। कपड़े सुखाने के बाद मैंने सबके लिए चाय बना दी थी, और आज मैंने थोड़ा जल्दी ही चाय बना दी थी क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था। त्योहारों के टाइम पे तो वैसे भी काम थोड़ा ज़्यादा ही होता है, लेकिन काम चाहे कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन फेस्टिवल सेलिब्रेशन के जो दोनों हमारे ऊपर सवार होती है ना, उसमें हम सारा काम कर भी लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर मैंने साथ ही साथ जो है खोए की जो बर्फियाँ जमाई थी उनको भी दूसरे बर्तन में निकाल के रख दिया था, क्योंकि मैंने कट तो पहले ही कर दी थी लेकिन दूसरे बर्तन में नहीं निकाला था। यहाँ मैंने साथ साथ वो काम भी कर दिया, और इतने में मेरी चाय बन के रेडी हो गई थी। तो मैंने सबको चाय दे दी थी और अपने लिए भी डाल ली थी। चाय पीती नहीं है तो मैंने उसको दूध दे दिया था, और शेष जो है इस टाइम पर सोया हुआ था। तो बाद में जब वो उठ गया था तो मैंने उसको खाना वगैरह खिला दिया था, और फिर ये दोनों आपस में खेलने लग गए थे। और श्रेष्ठ का तो वन ऑफ द फेवरेट गेम है इस झूले पे झूलना, मतलब इस पे बैठ के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद मेरा शाम का सबसे चैलेंजिंग काम स्टार्ट हो गया था, जो कि था कपड़े प्रेस करना, क्योंकि 3 दिनों के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। थर्सडे को वॉश नहीं करते हम कपड़े, और फ्राइडे को बारिश आई हुई थी तो कपड़े सूखे नहीं थे, और सैटरडे के यानी कि 3 दिनों के कपड़े थे। और मेरी तो हैबिट ऐसी है, चाहे सारा काम हो जाए लेकिन अगर प्रेस के कपड़े पड़े हो ना तो मेरा दिमाग बार बार वहीं जाके रुक जाता है। और सारे कपड़े प्रेस करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 6 बज गए थे। वीडियो में देखने में ऐसा लगता है जैसे 1 सेकंड में हो गया, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था। और मैंने बाहर जाके देखा तो मम्मी जी जो है दियों में तेल डाल रही थी, क्योंकि दिवाली छोटी दिवाली वाले दिन 5 दिए जलाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। और देखिए श्रेष्ठ हर जगह अपना निरीक्षण करने के लिए पहुँच जाता है, और हमारे घर के पास में ही ना एक मंदिर है तो वहीं पर दिए जलाने के लिए मम्मी जी इनको कह रही थी। और हमारा दूसरा घर भी है तो वहाँ पे भी दिए जलाने के लिए जाना था, तो बस ये तीनों फिर वहीं चले गए हैं। और देखिए पापा जी बाहर बैठे हुए हैं, तो बस ये तीनों फिर चले गए थे। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी मेरा जो काम पेंडिंग था वो करने के लिए। तो चलिए आ चुके हैं, और चलिए हम कर लेते हैं खाने की प्रिपरेशन। वैसे लगभग हो ही गया, बस आटा आटा लगाना बाकी है। चलिए वो लगा देते हैं। ले तो एक बार ये है ना स्टोव बास्केट में डालिए ये मिर्ची, अभी चलिए। अरे एक बार हो रही है बेटा, अनवी अनवी एक बार ले ये कूड़ा उड़ा के बस तो किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग रूम में आ गए थे, और इनको ऑफिस से जो गिफ्ट्स मिले थे उनकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे। तो उसमें एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर था, ड्राई फ्रूट का डब्बा था, और भी एक दो सामान थे। तो बस हम सारे उन्हीं को ही देखने में लगे थे। तो हमने फिर इनकी अनबॉक्सिंग की, और मेरे को तो सबसे ज़्यादा जो ड्राई फ्रूट का डब्बा था बॉक्स था वो पसंद आया। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।